इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर चेयरमैन मैप अकमल भट्टी ने कहा है कि हजारों सैनिटरी वर्कर्स को बिला वजह मुलाजमत से निकाल कर और उनकी 20-25 सालों की खिदमात के इतराफ की बजाय उनके मुंह से नवाला छीन कर CDA ने उनका मुआशी कत्ल किया है। नौकरी मुस्तकिल करने की आड़ में मन पसंदीदा अफराद को नवाजा गया। रिश्वत देने वालों और जमीर फरोश महकमाना एजेंटों के हाथों यरगमाल बनकर शफाफ और मेरिट पर भर्ती की बजाय उन्हें नौकरियाँ फरोख्त करने का ठेका दिया गया, जो कि सरासर ना इंसाफी है। ये गैर आइनी और गैर इंसानी इकदाम है जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। अफसोस का मकाम है कि इस शदीद महंगाई के दौर में हजारों डेली वेजेस मुलाजमीन, जिन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत की सफाई सुथराई और खूबसूरती बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा किया, उन्हें सड़कों और भूखे मरने के लिए हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। कबल अजय ठेकेदार उनका खून चूसते रहे और अब अगर उनको मुस्तकिल मुलाजमत का मौका मिलने का वक्त आया तो उनसे उनका वो हक भी छीन कर बेच दिया गया। मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान CDA के मजदूर कश फैसले की मजम्मत करता है और 11 अगस्त 2022 को डी चौक इस्लामाबाद में इन गरीब और मजलूम मजदूरों के हक के लिए आवाज बुलंद की जाएगी और हुकूमती महकमा की पॉलिसियों पर उन्हें हदफे तनकीद बनाया जाएगा। हम मजदूर और मेहनतकशों की आवाज बनेंगे और उनका हक लेकर देने के लिए हर सतह पर नारा हक बुलंद करेंगे। CDA मुलाजमीन के एहतजाज में शामिल होकर उनके साथ यकजहती का इजहार करें।